हेलो एवरीबॉडी, आज की हमारी वीडियो जो है वो होने वाली है इस गाड़ी के डैशबोर्ड और डोर पैनल्स को क्लीन करने के बारे में। इस गाड़ी पे और भी कई सारी वीडियोस आना बाकी हैं, तो अगर आपको इस गाड़ी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इन वीडियोस को। जैसा कि देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी बुरा हाल है इसके जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनका। जैसा कि देख सकते हैं, गियर लीवर के ऊपर डस्ट और मैल मिट्टी लगी हुई है। पूरा जो उसकी डिज़ाइन है, गियर शिफ्टिंग पैटर्न जो है उसका, वो गंदा हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इन पार्ट्स को क्लीन करने के बाद इसका क्या लुक आता है। जैसा कि देख सकते हैं, एसी के जो कंट्रोल्स हैं उनमें भी बुरी तरह से डस्ट फंसी हुई है। बार बार हमारा हाथ इस पर लगता है और ये सारी जो गंदगी है वो हमारे उंगलियों पर चिपक कर हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है और फिर वही हाथ से हम कई बार खा लेते हैं। तो गाड़ी का इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ होना चाहिए और बिना बैक्टीरिया का होना चाहिए। देख लो, जैसे कि ये भी गाड़ी में होते हैं, हम 10 बार विंडोज़ को अप एंड डाउन करते हैं, ये जो विंडो के बटन हैं वो भी कितने गंदे हो रहे हैं। इसी तरह जो गाड़ी के साइड के पैनल्स हैं जो हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, वही सारी जगह इस गाड़ी के अंदर कितनी गंदी हो रही है। आपकी गाड़ी के अंदर भी इस तरह से ये जो इंटीरियर के पार्ट्स हैं वो गंदे हो रहे हैं तो प्लीज़ इनको क्लीन करें, क्योंकि अगर इस तरह से ज़्यादा गाड़ी गंदी रहेगी तो आपको इससे एलर्जीज़ और डिफरेंट बैक्टीरिया उस गाड़ी के अंदर रहेंगे तो बीमारियां भी हो सकती हैं। और जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो जाग बनाया है वो डिश वॉशर की हेल्प से बनाए हैं और यहाँ पे मैंने विम डिश वॉशर यूज़ किया है। कार धोने के बाद भी एक अच्छी सी नींबू की खुशबू आती रहेगी। और इसी तरह से हमें पूरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं उस एरिया को, डैशबोर्ड को अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से रगड़ रगड़ के झाग बनाना है और उसके बाद में हमें उसे कपड़े की हेल्प से पोंछ देना। हम यहाँ पे पानी नहीं डाल सकते बिकॉज वो गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जा सकता है और उसको फिर शॉर्ट कर सकता है। इस काम को शुरू करने से पहले आप गाड़ी की बैटरी को डिसकनेक्ट कर दें, इनकेस अगर किसी कंपोनेंट में पानी चला जाए तो वो तुरंत शॉर्ट ना हो और हम गाड़ी को सूखने के लिए छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद धूप में वो पानी सूख जाए, उसके बाद ही आप गाड़ी को ऑन करें। से हर कोने कोने में अच्छी तरह से इसको लगा के और साफ़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं, अब हम डोर के पैनल पे क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से रगड़ के और झाग बना रहा हूँ। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड, डोर पैनल्स और एक्स्ट्रा अगर आपकी गाड़ी में सेंटर कंसोल वगैरह लगे हुए हैं उन सभी को इसी तरह से आपको रगड़ के साफ़ करने हैं और फिर एक अच्छा सा माइक्रोफाइबर टॉवल लेके उससे उसे क्लीन कर देना है। इसके बाद आपकी गाड़ी का जो लुक आएगा ना वो एक नेक्स्ट लेवल का लुक आएगा। तो चलो फटाफट से इस डोर को क्लीन करते हैं और वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पावर विंडो के बटन लगे हुए हैं डोर पैनल के अंदर, उनको भी हमें छोटे ब्रश से, जो टूथब्रश आता है उससे क्लीन करना है, क्योंकि इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर आपकी पूरी गाड़ी अच्छी तरह से क्लीन है और आपके जो पावर विंडो के स्विचेस हैं उनके अंदर मैल फंसा हुआ है या किसी तरह की डस्ट फंसी हुई है तो वो बहुत ही गंदी लगने वाली है और आपकी जो गाड़ी है उसके पूरे ओवरऑल लुक को ख़राब करने वाली है। सबसे पहले आपको एक ब्रश के अंदर थोड़ा सा डिशवॉशर स्प्रे करना है और उसको ऐसे बटन्स के ऊपर लगा के उससे अच्छे से बटन्स को क्लीन करना है। थोड़ी देर क्लीन करने के बाद में देखना है कि अगर अच्छी तरह से वो जो डस्ट और जो मैल लगा हुआ है वो निकल गया हो तो फिर उसे माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से क्लीन कर देना है। इसी तरह से हमें बाकी के जो छोटे छोटे सारे कंपोनेंट्स हैं उनको इसी तरह से क्लीन करना है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं डोर का जो लैच है, जैसा कि मैंने उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, अब मैंने उसे माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से बढ़िया से वापस से सुखा दिया है और अच्छी तरह से उसके अंदर अंदर से सुखा देना है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना बचे और जब हम बैटरी लगाएं तो बटन को शॉर्टिंग का इशू ना आए। मेरी जो कार है वो शेवरले की एक स्पार्क कार है जिसमें आगे की तरफ पावर विंडोज़ और पीछे की तरफ मैकेनिकल विंडोज़ दे रखी हैं। मैकेनिकल विंडोज़ में जो डोर का जो विंडो का हैंडल होता है जिसे हम घुमा के विंडोज़ को ऊपर नीचे चढ़ाते हैं उसे भी हम बार बार टच करते हैं, जिस वजह से उसके अंदर भी काफ़ी सारी डस्ट और हमारे हाथों की मैल लग जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये देखो, ये जो डोर का जो नॉब है उसके अंदर कितनी सारी डस्ट लगी हुई है। नॉर्मली हम उसे कपड़े की हेल्प से क्लीन नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उसमें एक टूथब्रश का यूज़ करते हैं तो हम इजीली उसको अच्छे से डीप क्लीन कर पाते हैं। यही सारी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं वो डिटेलिंग में हमें करनी होती है। इन्हीं चीज़ों के हमें मार्केट में हज़ारों रुपये चार्ज किए जाते हैं लेकिन फिर भी हमें उतनी फिनिशिंग नहीं मिलती है जितनी हम अगर खुद हाथ से करें तो हम अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया और उसका बिफ़ोर आफ्टर मैं आपको दिखा दूँगा। जैसा कि देख सकते हैं, ये बिफ़ोर और ये आफ्टर।
कोर्स के सारे पैनल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम क्लीन करने वाले हैं हमारे जो गियर शिफ्टर नॉब है उसको। हम गाड़ी चलाते रहे हम सबसे ज़्यादा टच हमारे गियर शिफ्टर नॉब को ही करते हैं स्टेयरिंग के बाद, जो कि अक्सर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। मैंने कई लोगों की गाड़ियों में देखा उस पर बिल्कुल ऐसा ग्लू इस टाइप कुछ मेल जमा होता है। इस तरह के गियर का जो लीवर का नॉब है हमें उसे भी ब्रश की हेल्प से ही क्लीन करना है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सारी बारीक बारीक लाइन्स और डिज़ाइन बनी हुई हैं। जो हमारा जो गियर शिफ्ट पैटर्न है उसके अंदर हाथों का मैल फंसा हुआ है, जिसे कि हमें ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देना है। उसके बाद बारी आती है हमारे जो हमारा हैंड ब्रेक का जो लीवर होता है उस पर भी काफ़ी बुरी तरह से डस्ट जमा हुआ। अब इन दोनों को फटाफट से क्लीन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिफोर और आफ्टर। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक जो हमने गाड़ी की क्लीनिंग की प्रोसेस की है उसमें हमने डैशबोर्ड को क्लीन किया और गाड़ी के जो डोर पैनल्स हैं उनको क्लीन किया, उनके अंदर लगे हुए हैंडल्स को क्लीन किया, उनका बिफोर आफ्टर है कुछ ऐसा। और अच्छी तरह से गियर के नॉब को क्लीन करने के बाद वो अब गियर का जो नॉब है वो हमारे गाड़ी का कुछ ऐसा दिख रहा है, और हैंड ब्रेक का जो लीवर है वो कुछ ऐसा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके दोस्त के पास कार है और उसकी कार गंदी है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उसे बोलो कि वो भी अपनी कार को क्लीन करे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।